नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ चंदा, मैं आर्यन टैगोर हॉस्पिटल और नारायण हेल्थ में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैं एक बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर उसको इलाज ना किया जाए तो उसको सीरियस डिजेबिलिटी हो सकता है, मौत भी हो सकता है, वो है ब्रेन ट्यूमर। ये ब्रेन ट्यूमर होता क्या है? ये ब्रेन में कोई एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है तो उसको ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये ब्रेन में से आ सकता है, ब्रेन का जो कवरिंग हो सकता है उससे भी आ सकता है, ब्रेन के से जो नस निकलता है उससे भी आ सकता है, और ब्रेन का चारों तरफ जो हड्डी है, कार्टिलेज है, उससे भी हो सकता है। हम ब्रेन ट्यूमर ही बोलते हैं सबको। तो ब्रेन ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट बोलते हैं, और बिनाइन भी हो सकता है, जिसको नॉन कैंसरस बोलते हैं हम। ब्रेन कैंसर दो टाइप का फिर हो सकता है, एक प्राइमरी ब्रेन कैंसर बोलते हैं जो ब्रेन में ही होता है, और सेकेंडरी होता है जो जहाँ दूसरे कहीं जगह से स्प्रेड करके फैल के ब्रेन में चला गया, जैसे फेफड़े का कैंसर होता है वो ब्रेन में चला आ सकता है, ब्रेन में फैल सकता है, उसको हम सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। इसका सिम्टम्स ऐसे जैसे पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका आमतौर से सिर में दर्द सबसे ज़्यादा सिम्टम है, सबसे ज़्यादा दिखा जाते हैं। 70% सत्तर भाग को हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है। ऐसा नहीं है जो सिर दर्द होना ही होना है, कई सारे पेशेंट है, लगभग 30% पेशेंट है जिसको सिर दर्द नहीं होता है। ये छोड़ के और बाकी जो सिम्टम्स हो सकता है, मिर्गी का जैसा दौरा हो आ सकता है, आँख में धुंधलापन हो सकता है, रोशनी कम हो सकता है, एक चीज़ को दो दो दिखाई दे सकता है, चेहरे में कोई जगह में हिस्से में वो थोड़ा सा सूनापन आ सकता है, कमज़ोरी हो सकता है, चेहरा टेढ़ा हो सकता है, सुनाई कम दे सकता है, खाने लेने में प्रॉब्लम हो सकता है घुटने में, या बैलेंस खराब हो सकता है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है, लड़खड़ाते चल सकता है, हाथ या पैर कमज़ोर हो सकता है। जैसे ही ये सिम्टम्स आते हैं हम उसका लिए परीक्षा करते हैं। यूजुअली कॉन्ट्रास्ट एनहांस MRI हम एडवाइस करते हैं, तो उससे ही हमारा डायग्नोसिस बहुत आगे तक पहुंच सकता है, जो हम बोलते हैं हाँ ये ट्यूमर है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजुर्बा है, जो हाँ ये ट्यूमर हो सकता है, तो उस हिसाब से हम सलाह देते हैं। अगर ट्यूमर निर्णय हो गया, मतलब हमारा शक है ट्यूमर है, कभी कभी हम MR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट करते हैं हमारा शक को यकीन में बदलने के लिए। तो उससे उसके बाद जब एक बार डायग्नोसिस हो जाता है, हम ऑपरेशन का प्लान करते हैं। ऑपरेशन ही इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। क्यों हम ऑपरेशन करें? एक तो है हमको पता चले ये क्या है। कभी कभार होता है जो हम ट्यूमर सोचते हैं, ऑपरेशन करने के बाद देखते हैं जो ये ट्यूबरकुलोसिस है, या अगर ट्यूमर है तो किस टाइप का ट्यूमर है, कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है, बिनाइन ट्यूमर है तो किस टाइप का ट्यूमर है, उस हिसाब से हमारा अगला इलाज प्लान हो सकता है। कभी कभी होता है जो ट्यूमर पूरी तरह निकल जाए तो और कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। कभी कभी होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, उसके बाद रेडियोथेरेपी का ज़रूरत पड़ सकता है। ये इसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं। आजकल ऑपरेशन में बहुत सारे नया प्रयुक्ति आ चुके हैं, तो इसीलिए ऑपरेशन काफ़ी सेफ हो चुका है। पहले हम जब छोटे थे, हम मेडिसिन पढ़ते थे, हमारा ऐसा आइडिया था जो न्यूरोसर्जी ब्रेन का ऑपरेशन मतलब मरीज बचेगा नहीं। बाद में देखा नहीं, मरीज तो बच जाते हैं, इसका पैरालिसिस नेक्स्ट टारगेट आया, जो पैरालिसिस ना हो जाए। अभी आजकल कॉस्मेटिक के साइड में हम नज़र दे रहे हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट बहुत एडवांस्ड हो चुका है, तो इसीलिए डरिए मत। अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया जो ब्रेन ट्यूमर है किसी का, वो देर ना करके तुरंत कोई अच्छा मतलब स्किल्ड या मतलब एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन के पास जाइए, कोई अच्छा सेंटर में, अच्छा सेटअप में ऑपरेशन करवाइए, और रिजल्ट्स ज़्यादातर से अच्छा ही होता है। डरिए मत, देर मत करिए। एक बार ट्यूमर आ गया तो एकदम देर मत कीजिए, क्योंकि देर करने की वजह से बहुत सारे नुकसान पहुँच सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।